गुड मॉर्निंग प्रिया समसर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में हम आ गए किचन में, आपको दिखाया था नेक्स्ट वीडियो में चाय वगैरह बन गया, सब लोग पी लिए हैं और बच्चों लोग का चाय अलग से देखिए बनाया है। फिर लोग अदरक और उसका नहीं पीते हैं, तो जो हम काम हमारे घर में कर रहे हैं उन लोग को अदरक वगैरह वाला बनाए थे। और अपने लिए देखिए नाश्ता बनाने जा रहे हैं सैंडविच आलू का, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। और हस्बैंड जी भी नीचे गए हैं आज, हस्बैंड जी बेचारे रात के भी खाना नहीं खाए, मुझे बताया भी नहीं थे कि हम खाना खा के नहीं आएंगे और वो चले आए, हम खाना रखे भी नहीं थे। चलिए फटाफट उनको भी नाश्ता दे देते बना के, और 10 बज चुका है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब मैं भर ली हूँ और उसके बाद यहाँ पे सब सेकना चालू कर दी हूँ। पहले मैं अपना बाल धुली हूँ, आज पहले बाल ढक लेती हूँ, एकदम दिमाग खराब हो गया, कचरा हो गया ना। फटाफट नाश्ता बना के दे देते हैं, नहीं तो कुछ अलग अलग डिश बनाए होते लेकिन क्या बताएं, अभी कचरा उड़ना चालू हो जाएगा ना, कोई खा नहीं पाएगा। और चलिए दिखा देते हैं कि घर में क्या काम हो रहा है आज, आज कौन सा कचरा उड़ रहा है। आपको आवाज़ तो आ ही रहा होगा ताड़ तू पाड़ पुड़, फिर भी आपको दिखाई देते हैं। तो गाइस एकदम लाल लाल बन रहा है इसमें, और उससे अच्छा और उससे जल्दी जल्दी बन जा रहा है टोस्टर से। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस तो फाइनली देखिए यहाँ पे हम नाश्ता पानी करके और चले गए थे हम बाहर, बाहर मतलब भाग दौड़ लगाई है, आपको बताया काम लगाया तो गए थे टाइल्स वगैरह देखने के लिए। टाइल्स का हो गया फाइनल, टाइल्स हो गया बुक और टाइल्स आने वाला भी है गाड़ी से। और चलिए अभी हमें शाम को थोड़ा सा और काम करना है घर का, जो कि थोड़ा सा बाथरूम का कांच वगैरह है जो कि पहले से ही नहीं लगा था, तो वो हम बुक करने अभी शाम को जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा एक नेम प्लेट डालना है, तो चलिए देखिए क्या क्या हमसे हो सकता है, जो हमसे हो सकेगा वो हम कर लेंगे, हो सकेगा क्योंकि काम लगा रहता है ना, तो उसी साथ में सब हो जाता है, नहीं तो फिर मुश्किलों से हो पाता है, बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे बाबू मस्ती कर रहा है, चलिए दिखाते हैं अभी हमारा काम कहाँ तक गया है। अभी सुबह से आपको दिखाया नहीं है, नाश्ते के बाद आपको दिखाने वाले थे, दिखाया नहीं है, चलिए दिखा देते हैं काम हमारा कहाँ तक गया है। तो काम अभी स्टार्ट हो गया, यहाँ तक प्लास्टरिंग का चल रहा है ना ये, इसके बाद क्या चलेगा, पुट्टी नहीं, पुट्टी नहीं मारते इसमें, पेंट थोड़ी मारेंगे। अच्छा अच्छा, तो इसमें से टाइल्स वगैरह लगता है, मुझे पता नहीं है कुछ भी। मेरी बाल्टी कैसे छूटेगी, ये छूट जाएगा ना तो एक डब्बा देना चाहिए आज, वैसे करके मिट्टी उट्टी का काम ज़्यादा करके, आज मिट्टी का काम निकल जाएगा ना, आज मिट्टी का काम खत्म होएगा ना, वो तो बाथरूम में ही बनाएंगे, टाइल्स लगाने के लिए भी तो लगेगा, वो बाथरूम में बनाएगा कल, हाँ वो मशीन निकालना पड़ेगा, हाँ वो निकाल देंगे मशीन, तो आज हम ये मशीन कोशिश करेंगे कि बेच देते हैं आज मशीन को, कोई है लेने वाला तो बताइए मुझे, 1500 में बेच रही हूँ, चालू है मशीन। हाँ ऐसे देखिए फाइनली ये काम जो है कल होगा, आज तो बेडरूम का ही मुझे लग रहा है कर रहे हैं, और ये भी कल होगा, और करीब करीब कल ये जो लगता है वो केमिकल डाला जाता है, वो कब डालेंगे। शाम हो चुका है, शाम को मतलब आज पूरे दिन में काम क्या हुआ दिखा देते हैं। आज हो गया प्लस मतलब कि ये जो सीमेंट वगैरह लगाने वाले थे वो मैं लगा दी, तो मैं आज भी नहीं आपको दिखा पाई कि घर कितना गंदा होता है, क्योंकि घर जब गंदा होता है ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं जैसे वो लोग निकलते हैं लोग को पानी देती हूँ चाय देती, उसके बाद मैं तुरंत अपना पोछने में लग जाती, सबसे पहले मैं किचन पोछती हूँ क्योंकि उन लोग को पानी चाय देना रहता। तो देखिए सब कुछ साफ वाफ करके और यहाँ पे डिस्पर्सल फिर से आ गया है, शाम को फिर रात पूरी यहाँ जाएंगे हम लोग, फिर सुबह हम लोग बैग अपना डिस्पर्सल उठाते हैं और चले जाते हैं। देखिए आज तो थोड़ा गलीमा है, आज थोड़ा ठीक हो गया है, और कल होगा फिर टाइल्स, टाइल्स का काम कल हो जाएगा, इसलिए कि हम लोग सोच रहे हैं बेडरूम पहले क्लीन करके उसके बाद करवाए घर का काम, जैसे वैसे ही कचरा उड़ते रहेगा तो बाबू फिर सेक्शन का डर है थोड़ा, और बाबू मैं मुझे छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, किसी के पास ही नहीं उठता है, बस आप सोचते हैं इसका टाइल्स का काम करवा के मतलब बेडरूम बंद करके अंदर रहेंगे ना कितना ज़्यादा तकलीफ है, हॉल में ना कितना कहाँ से बंद करेंगे, हॉल में कचरा जाता ही है, बाबू दे लिया का, यही स्टाइल है।
ऐसे तो मतलब छीने के ऐसे वो देंगे बाबू कबर में रखे फटाक से। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ साफ क्लीन हो गया है। हाँ सब क्लीन व्लीन करने के बाद चलती है किचन में। इस समय ना थक जाती इतना ज्यादा ना गाइस कि कुछ खाना भी बनाने का मन नहीं करता। आज हस्बैंड जी लगे हुए हैं, चलिए देखते हैं फिर भी हमको जरूर कुछ बना। क्या करने जा रही हो? अदरक लहसुन का पेस्ट था ना यार, अदरक था भी था नहीं है। तो चलिए यहाँ पे किचन साफ करने के बाद ये आ गए हैं किचन में। तो क्या बना रहे हो? तो ये सरप्राइज बना रहे भाई, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हाँ लहसुन छील लिए हैं, कांदा छील लिए, आप लोग गेस करिए कि क्या बना रहे हैं। देखिए सरप्राइज कुछ नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आया मटन और ये इसमें सब क्या इसका नाम है चंपारण, चंपारण मटन बन रहा है। देखिए इसमें क्या पड़ेगा, मटन है, हल्दी डाल दूँ, मटन है, मटन के बाद लहसुन डाला है, अदरक डाला है, अदरक के लच्छे डाले हैं, हरी मिर्ची तोड़ के डाला हुआ है, मिर्ची पाउडर डाला, हल्दी डाल दिए, मिर्ची पाउडर डालो, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालो, एक हरी वाला मिर्ची डालो, थोड़ा ज्यादा डालो, कश्मीरी डालो, थोड़ा ज्यादा डालो, मीठा बनाने के लिए कलर के लिए कश्मीरी पड़ता है जो कि अभी इसमें नहीं है। बस इसमें कांदा जा रहा है जिसको जिसको बनाना है चंपारण मटन वो ऐसे ही बनाए। बस इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे और गर्म मसाला डालेंगे। तो गाइस कश्मीरी मिर्च देखिए मैं भर भर के डाल दूंगी कलर के लिए। और जीरा मिर्च भी मरीच डालो, तेजपत्ता डाल दो, अभी खड़े मसाले एक ही तेजपत्ता दो, पुदीना डालो, और लकड़ी टुकड़ी डालना है। हाँ एक छोटा टुकड़ा बस डालो, कितना, तीन चार डालो, चार डालो, चार बड़ी इलायची दो डालो, दो ये लवन डाल दो, पांच छह पीस लौंग हो गया और थोड़ा सा अदरक का लहसुन। तो आपको पता है आप देखे होंगे, सब लोग देखे हैं। और यहाँ से अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। अब हम सब कुछ डालने के बाद गरम मसाला का पाउडर नहीं पड़ेगा, पाउडर गरम मसाला चिकन। तो यहाँ से हम डालते हैं राई का तेल, कितना डालना है, कितना डालना है, तभी भी तीन चार चम्मच, बस बस बस, अरे तो ऊपर में डालो तेल राई का। अब हम यहाँ पे कुकर में भी डाल देंगे इसी साथ में। कुकर में मैं अपने हिसाब से डाली हूँ, आप कितना इनको लगेगा भगवान का। ये घर में बना हुआ गरम मसाला है, पता नहीं किससे पिसवा लेके आए हैं, जो घर में बनाते हैं अपने लोग वहाँ से लाए हैं। एक चम्मच, ये बहुत हार्ड महकता है यार, इसमें लगता है लकड़ी उकड़ी सब कुछ पिसा हुआ है। एक गरम मसाला भी गया और आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यही है चंपारण मटन। और बहुत ही मटन ठंडा मट्टी में, हमारे पास मटका नहीं है मट्टी का। अच्छा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुकर में बना रहे हैं, चिकन मसाला डाल रहा है, थोड़ा चिकन मटन डाल रहे हैं तो मटन मसाला डालना चाहिए ना। चलिए भाई करेंगे हम लोग मिक्स। ओके
अच्छे से मिक्स करके नमक भी डाले, नमक डालो मिक्स हो चुका है, डालते हैं हाथ से मत लो नमक हाथ में नहीं लगाएंगे। यही जोर जोर से बोल देते तुमको बोलना नहीं पड़ता। तो रखेंगे कुछ टाइम तक नहीं, उसके जीरा डाल दो वहाँ पे निकाल के रखते थे ताकि इसलिए हम बाहर निकाल देते हैं कि नॉनवेज के हाथ से मेरे डब्बे सब छूने पड़ जाएंगे। देखिए जीरा डाल दी हूँ सारा। तो गाइस यहाँ पे तेल हो गया और यहाँ पे ये फोड़ना भी स्टार्ट कर दिए हैं तेल में, और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ जीरा बाकी था जो कि जीरा मैं ही भूली, इनको थोड़ा जीरा इसमें कच्चा मत डालू, ऐसे डालू नहीं तो ये सब कुछ कच्चा डालते हैं। तो चलिए आप वीडियो बने रहिएगा। तो गाइस गैस हो गया, चलो स्लो करके ढक दिए यहाँ पे, अब इसको चलाते जाएंगे है ना, आधे घंटे के बाद छोड़ दिए। तो वैसे इसको चलाना भी नहीं है, आधे घंटे स्लो में ऐसे ही छोड़ देना। तो देखिए क्या देखिए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला इनका लॉजिक क्या है। चलिए हम डाल देते हैं इधर चावल, हम बना लेते हैं अपना चावल रोटी। तो गाइस मटन बन चुका है, बहुत टेस्टी बना है। इसको खाना है, इसको भी खाना है, इसको मटन बहुत पसंद है ना। वो इसका क्या नाम था, मटन एक बार बना के जरूर खाइएगा, रेसिपी में डाल दी हूँ ब्लॉग में, आप लोग मुझे जरूर खाइएगा। आप अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, बता दूँ कमेंट बॉक्स में। चलिए आप लोग कैसा लग रहा है देखने में। गाइस गुड मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग में सबका चाय पानी हो गया, सबको चाय पानी दे दिया, नाश्ता पानी सब लोग कर चुके हैं, और यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी अपना बाबू को खाना लेके बैठे खिलाने के लिए। तो मुझे याद आया कि रात को वीडियो नहीं की थी, तो वीडियो कर देती है क्योंकि रात को इतना ज्यादा मेरे पैरों में पेन हो रहा था ना कि मेरे आंखों से खुद आंसू गिर रहे थे। तो अब दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता यार, और ना ही इतना भाग दौड़ होता है, क्या बताएं। तो दोनों लड़कियां इतना दर्द, मतलब मेरा पैर दबाई ना, एक ही पैर बहुत दुख रहा था। कल क्या हो गया ना, मोजा कल मोजा में ना 2-3 बजे पहनी। तो चलिए वीडियो कर देते हैं। पहले मैं इतना भाग दौड़ करती थी ना इस घर का पूरा काम में, मैं पूरा भाग दौड़ करके करवाई क्योंकि हस्बैंड जी का उस समय एक्सीडेंट हो गया था। तो पूरा 3 महीना में 2-3 बार यहाँ आती थी और यहाँ मतलब जाती थी, ऐसा लगा रहता था। और यहाँ पे रह के सोचिए हमें काम करवाना पड़ता है, भाग दौड़ भी नहीं है। और लेकिन वो भाग दौड़ परवड़ जाता था क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद साफ सफाई था, बस खाली जाके सोना रहता था उधर। और यहाँ पे आके कुछ बना बनाया घर पे रहता भी था, खाना वाना बना के आते थे मत। और यहाँ का नहीं परवड़ता है यार, डेली साफ सफाई करो और डेली सब कुछ करके तब फिर थक जाते उसी में। तो चलिए वीडियो कर देते हैं इसी पे एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो कल बनाया हस्बैंड जी मटन, और बाकी मैं रोटी बनाने का बिल्कुल मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मैं 9 बजे तक बनाई। और चलिए वीडियो कर देते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।